बड़े प्रोग्राम में बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। एमएस बिट्टा साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करतारपुर साहिब कॉरिडोर हिंदुस्तान के सिख समुदाय के लिए आजादी के बाद से ही सबसे बड़ा सपना था, अब वो सपना साकार होने वाला है। 2019 में बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर सिख आस्थावान उस पवित्र स्थल का दर्शन कर पाएंगे जिसे अभी भी बॉर्डर से दूरबीन के सहारे देखते रहे हैं। ये करिश्मा भारत सरकार की पहल पर पाकिस्तान सरकार की रजामंदी से संभव हो रहा है, लेकिन पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका श्रेय इमरान खान को देते हुए उनकी तुलना फरिश्ते से कर डाली। जिस पाकिस्तान से आए दिन आतंकी सरहद पार पर खून खराबा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के इशारे पर मासूमों की जान लेते हैं, क्या उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फरिश्ता कहा जाना चाहिए? सिद्धू के बयान के बाद शुरू हुए विवाद की छाया कॉरिडोर की नींव रखने वाले कार्यक्रम तक में दिखाई और सुनाई पड़ी। कांग्रेस और अकाली दल में श्रेय लेने की होड़ तो रही ही, साथ ही कई बार हंगामा भी हुआ। नेता भूल गए कि इस कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और दुनिया इसे देख रही है। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को संदेश देकर उन्हें बेनकाब करने की कोशिश की। अमरिंदर ने कहा कि बतौर सिख करतारपुर साहिब जाने का मन होने के बावजूद पाकिस्तान की करतूत की वजह से वो वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं के मंत्री सिद्धू ने कहा कि उनके फरिश्ते दोस्त इमरान ने उन्हें बुलाया है, इसलिए वो जरूर जाएंगे। इस पूरे विवाद से कई सवाल खड़े होते हैं जो हम पूछेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डिबेट में घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इनके साथ ही आज बीजेपी से हमारे साथ होंगे सुधांशु मित्तल। बेटा साहब, आपने बहुत सारे आतंकी हमलों को अपनी नजरों से गुजरते हुए देखा है, लेकिन जिस लहजे में सिद्धू कह रहे हैं कि फरिश्ता है इमरान खान, क्या आप उस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक बात बिल्कुल यह स्पष्ट है कि गुरु नानक देव जी महाराज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के थे। काफी वर्षों के बाद एक बड़ी अच्छी शुरुआत और बड़ी अच्छी पहल दोनों सरकारों की तरफ से हुई है। आपने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्टेटमेंट सुना होगा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ, आज वो पहली बार उनको ऐसे मैंने सुनते हुए देखा। दूसरी तरफ मैंने नवजोत सिद्धू को फरिश्ता कहते हुए देखा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, मैं हूं नवजोत सिद्धू जी हूं, नरेंद्र मोदी जी हूं, राहुल गांधी जी हूं या कोई भी बड़ा लीडर हो, उसके लिए प्रथम राष्ट्र होता है, प्रथम भारत होता है, फिर कोई और चीज होती है। ये दोस्तियां यारियां ये तभी अच्छी लगती हैं, अपना भारत सुरक्षित रहे। देखो गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के अंदर अभी नरंकारी पे हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में मैं नहीं जाना चाहता। बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही और बड़ी दलेरी की बात कही। हमें इतनी जल्दी भावुक नहीं होना चाहिए कि ऐसा शब्द मुंह से निकल जाए, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हिंदुस्तान वो जो शहीद हो गए जवान, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कहें। क्या ऐसा भी होता है? गुरु नानक देव जी का जो कदम उठाया है ये बहुत ही अच्छा कदम है, पर उसके लिए अपने भारत को छोड़ करके हम किसी दूसरे देश को कहें अरे तू तो फरिश्ता, मैं समझता ये अच्छी बात नहीं है, ये राष्ट्र के टोटल खिलाफ है।